जय श्री राम। देखिए, यहाँ पे आपके मजहब में आप नमाज पढ़ती थी? हाँ, पढ़ते थे। अब यहाँ पे पूजा करना होगा? करेंगे। हाँ? करेंगे क्या, करते हैं। करते हैं? हाँ। पूजा भी करते हैं? हाँ। वहाँ अल्लाह अकबर बोलते थे? बोलते थे। हाँ, बोलते थे। हाँ? यहाँ जय श्री राम बोलना होगा? बोलेंगे। हाँ? बोलेंगे। जय श्री राम। देख लीजिए, जय श्री राम। अच्छा, आपको सनातन धर्म और इस्लाम धर्म में क्या खूब मतलब अंतर दिखता है? इस्लाम धर्म में 3 तलाक होता है, सनातन में है कि एक बार बंधन में बंध जाने के बाद 7 जन्मों तक का चलता है। आपको लगता है कि 7 जन्म तक ही निभाएंगे? जी, क्यों नहीं निभाएंगे। निभाइएगा जी, बिल्कुल निभाएंगे। और यहाँ तक कि सऊदी से और दुबई से भी धमकी आ रही है। सऊदी और दुबई से भी जी? शादी भी कर लिए, अब आप ईद मनाएंगे या ये दीपावली मनाएंगे? दिवाली मनाएंगे। ईद नहीं मनाएंगे? नहीं जी। होली? होली मनाई? हाँ, मनाए हुए थे। कौन कौन सा पर्व आप मनाई अभी शादी करके? शादी करके गया तो होली किए थे, उसके बाद जन्माष्टमी, फिर नवरात्रि, अभी छठ पूजा। अंधा होता है ये, हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि प्यार न जात देखता है, न पात देखता है, न मजहब देखता है। सब चीज़ों को जो है वो दरकिनार कर देता है, सब चीज़ों को जो है वो लांग जाता है। आज ये लोग हैं, ये हिंदू लड़के हैं और इसके साथ जो बगल में है वो मुस्लिम समुदाय की लड़की है। दोनों में प्यार होता है और दोनों का प्यार इस तरीके से परवान चढ़ता है कि दोनों एक दूसरे के लिए जो है वो कस्में खा लेते हैं, साथ जीने और साथ मरने का, और दोनों शादी रचा लेते हैं। प्यार कैसे हुआ था? जी, हम तो फेस्टिवल में छुट्टी में जाते थे घर, शहर में पढ़ाई करते थे, तो फेस्टिवल की छुट्टी में गए थे नगर, तो ये भी मामा के यहाँ रहती थी, मामा के यहाँ से आई थी फेस्टिवल में भी घर, तो वहीं पे हमको गांव में मिली, पास वाले गांव में ही घर है, तो वहीं पे गांव में मिली थी, तो एक बार में ही मतलब ये मान लीजिए प्यार, एक नज़र में ही प्यार हो गया। जी, दिल दे बैठे। उसके बाद कंटिन्यू लगभग 6 महीने लगा इम्प्रेस करने में। अच्छा, 6 महीने लगा जी? कैसे कैसे इम्प्रेस किए थे? बहुत लंबी कहानी है, ऐसे शॉर्ट में नहीं बता सकते उसको। मतलब इम्प्रेस करना पड़ा था जी। तो सबसे पहले आप ही आई लव यू बोले थे जी? तो उसके बाद ये इधर से डांट मिला या फिर एक्सेप्ट की? स्टार्टिंग में तो डांट ही मिला, उसके बाद धीरे धीरे फिर भी हम अपना मतलब प्रयास नहीं छोड़े। ठीक है, हार नहीं माने? नहीं, करीबन फिर 3 महीने प्रयास करने के बाद फिर बोले कि पहले समझेंगे हम। ठीक है, समझने के बाद डायरेक्ट प्रपोज के, डायरेक्ट बोले कि शादी करबो, डायरेक्ट बोले कि शादी करबो, बस वो बोला आई लव यू वाला कोई सिस्टम ही नहीं, डायरेक्ट शादी करबो। तब क्या हुआ? तो बोली ठीक है, सब कुछ मतलब सेटल होने के बाद सब कुछ हमको लगा कि हाँ सब कुछ कन्फर्म है, फिर बोले कि हाँ शादी करबो। ठीक, उधर से क्या जवाब मिला? ठीक है कि हाँ करब? हाँ करम। हाँ, देख लीजिए ये दोनों जो है वो किस तरीके से प्यार होता है। और प्यार, आपको डर नहीं लगा? क्योंकि आप हिंदू जाति के हैं, हिंदू समुदाय के हैं और वो मुस्लिम समुदाय के हैं, धर्म दोनों अलग अलग है, आपका सनातन है तो वहीं दूसरे तरफ इस्लाम है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आप पूछे हैं, क्योंकि मैं पहले इंसानियत के नज़र से देखता हूँ। पहले इंसान को इंसान को नज़र से देखना चाहिए। ये कास्ट वोस्ट तो नीचे वाले बना, ऊपर वाले कभी कास्ट बना के भेजा ही नहीं। ठीक है, तो पहले इंसानियत देखना चाहिए, और प्यार में तो कास्ट वास्ट नहीं देखा जाता। तो फिर भटक क्यों रहे? अगर कास्ट नहीं होता तो आज आप भटक क्यों रहे फिर? वो क्या कीजिएगा, दुनिया वाले नहीं मानते ना, गांव समाज नहीं मानता है। देख लीजिए, दुनिया और समाज वाले नहीं मानते हैं, मजहब की भी दीवारें को ये लोग लांघ गए और लांघ के जो आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, मजबूर हैं, भटक रहे हैं। क्या क्या हुआ शादी करने के बाद? क्या हुआ शादी करने के बाद? तो पहले तो झूठा केस लगा था मेरे पे, उसके बाद 64 का बयान हुआ। ठीक है, उसके बाद 64 का बयान होने के बाद कोर्ट से, ठीक है, पेपर ऊपर सब कुछ बन गया। उसके बाद फिर हम लोग चले गए, बाहर चले गए, क्योंकि मतलब घर पे नहीं रहे कि फिर हो सकता है वो लोग हमला कर दे घर पे या फिर हम लोग पे हमला कर दे, क्योंकि तरह तरह का धमकी मिल रहा था और घर पे मम्मी पापा को भी धमकी तरह तरह का मिल रहा था, और दरवाजे पे भी बार बार जाते थे गाँव वाले, घर वाले जाते थे बार बार। क्या नाम है आपका? आदित्य शर्मा। देख लीजिए, आदित्य शर्मा को प्यार हो जाता है। आपका क्या नाम? गुलाब शाह खातून। अभी भी गुलाब शाह खातून या फिर यहाँ आने के बाद कुछ नाम और चेंज की? चेंज किए नाम। क्या नाम रखिए? आदिति शर्मा। आदिति शर्मा। हाँ। कौन ये नाम कौन रखा? ये आपके हस्बैंड रखे या आप अपने से रखे? हस्बैंड रखे। हाँ। इनका नाम आदित्य और आपका नाम आदिति शर्मा। हाँ। देख लीजिए, आदित्य और आदिति शर्मा की जोड़ी, सबसे पहले आप लोग कॉमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है ये लोग। एक चीज़ बताइए, जहाँ पे आपके मजहब में आप नमाज पढ़ती थी? हाँ, पढ़ते थे। अब यहाँ पे पूजा करना होगा? करेंगे। हाँ? करेंगे क्या, करते हैं। करते हैं? हाँ। पूजा भी करते हैं? हाँ। वहाँ अल्लाह अकबर बोलते थे? बोलते थे। हाँ, बोलते थे। हाँ? यहाँ जय श्री राम बोलना होगा? बोलेंगे। हाँ? बोलेंगे। बोल के जरा दिखाइए, सुनाइए। जय श्री राम।
लीजिए, ये चीज है। आप एक चीज बताइए, आपको सनातन धर्म है, हिंदू धर्म नहीं है, सनातन धर्म है, सनातन धर्म में ऐसा क्या खूबसूरती आपको झलका कि जो आप सब कुछ को भूल गए? हम सबको भूले क्योंकि मुझे इनसे प्यार था। सिर्फ प्यार की वजह से सब कुछ भूल गए? हाँ, सब कुछ भूल गए। देख लीजिए, प्यार, हम पहले भी कहे थे कि प्यार अंधा होता है, अब आपको लग भी रहा होगा कि पूरी तरीके से प्यार अंधा होता है। क्या जी? प्यार अंधा होता है ना? हाँ। होता है, होता है। देख लीजिए, प्यार अंधा होता है। आपको सनातन धर्म और इस्लाम धर्म में क्या खूब मतलब अंतर दिखता है? इस्लाम धर्म में 3 तलाक होता है, सनातन में है कि एक बार बंधन बन जाने के बाद 7 जन्मों तक का चलता है। आपको लगता है कि 7 जन्म तक ही निभाएंगे? जी, क्यों नहीं निभाएंगे? निभाइएगा जी, बिल्कुल। एक जन्म तो आदमी से अब हो नहीं पा रहा, आप 7 जन्म तक? 7 जन्म क्या, अगर 700 जन्म भी मिले फिर भी निभाएंगे। देख लीजिए, ये अब फिर हम कह लें कि प्यार अंधा होता है तो फिर भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये 7 जन्म की बात तो छोड़ दीजिए, 700 जन्म निभाने को तैयार हैं जी। लोगों के नज़र में अंधा होता है, लेकिन मेरे नज़र में अंधा नहीं है। हाँ। क्योंकि हम लोग सोच समझ के ही किए थे, कोई भी सोच समझ के ही करता है। प्यार तो खूबसूरत चीज़ है। प्यार खूबसूरत चीज़ है जी, लोग उसको गलत नज़र से देखते हैं, लेकिन प्यार तो बहुत खूबसूरत चीज़ है। खूबसूरत चीज़ है तो खूबसूरत लड़की से ही प्यार क्यों हो जाता है? बूढ़ी से क्यों नहीं कर लिया आप प्यार? अब देखिए, अभी की जनरेशन में तो हर एक लड़के को अच्छी लड़की चाहिए। अब अच्छी देख के प्यार होता है? देख के नहीं, थोड़ा देखना ही पड़ता है, उसके बाद थोड़ा सोच समझ के भी करना पड़ता है। रंग रूप से प्यार होता है? रंग रूप भी उसके बाद देखना ही पड़ता है, थोड़ा सोचना समझना पड़ता है कैसी लड़की है। देख लीजिए, प्यार में रंग रूप भी देखा जाता है भाई साहब, जैसा कि बता रहे हैं। मोहब्बत आप किए हैं, प्यार किए हैं, क्या क्या कठिनाई हुई आपके साथ? पहले तो घर पे तोड़फोड़ हुआ था जिस टाइम स्टार्टिंग में गए थे, ठीक है। उसके बाद करीबन 10 महीने बाद वाइफ को हम अपने घर भेजे नवरात्रि पर्व करने के लिए, ठीक है। बोले कि नवरात्रि हम करेंगे, बहुत जिद किए, बोले कि अभी नहीं जाओ नहीं तो लोग मार देगा, ठीक है। फिर भी मानी नहीं, बोले कि नहीं हमको नवरात्रि करना है, मम्मी के साथ करेंगे। तो हम बोले कोई बात नहीं, चले जाओ, ठीक है। हम फिर ला के मतलब रख दिए घर पर, ठीक है। उसके बाद करीबन हम चले गए 10 दिन के बाद फिर बाहर, उसके बाद करीबन 15 या 20 दिन के बाद घर पर हमला हो गया। पूरे गांव वाले मिलके और घर वाले मिलके घर पे हमला कर दिए, उसमें मम्मी मतलब पूरे फैमिली को चोट लगा। उसके बाद इसको मारने के लिए 3 या 4 लड़के पिस्टल लेकर घुसे थे जी। देख लीजिए किस तरीके से प्यार करने का सजा इनको जो है वो गांव वाले ने दिया, और आज जो है ये लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भटकने को भी मजबूर हैं क्योंकि इनके पास कोई चारा नहीं है। घर अगर जाएंगे तो इन्हें डर है, डर है घर तो जाने का, अभी भी डर है, अभी भी इधर भी है तो अभी भी डर है। वो लोग हमेशा धमकी दे रहे हैं, व्हाट्सएप पे धमकी दे रहे हैं, कभी इंस्टा पे धमकी दे रहे हैं जान से मारने के लिए। बोले कभी ना कभी तो मारेंगे ही मारेंगे, बोले कभी ना कभी मारेंगे तो मारेंगे, कभी ना कभी आपको जी मार देंगे जी, बोले कभी ना कभी दोनों को मारेंगे तो मारेंगे, चाहे उसके लिए कितना भी मतलब केस कर लो, कुछ भी कर लो। सर, कौन धमकी दे रहा है, मतलब आपके परिवार वाले या गाँव वाले? गाँव वाले, परिवार वाले नहीं दे रहे? नहीं, गाँव वाले, उस धर्म के जो कट्टर होते वही लोग। देख लीजिए, इस्लाम धर्म की लड़की है और इन्हें प्यार करने का सजा इस तरीके से मिला है कि आज ये दोनों जो है वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भटक रहे हैं, लेकिन इनके गांव वाले जो है इन पे धमकियां देते हैं और मारने की भी धमकी मिलती है जी। और यहां तक कि सऊदी से और दुबई से भी धमकी आ रही है, सऊदी और दुबई से भी जी। लीजिए, भारत तो छोड़ दीजिए, सऊदी और दुबई से भी बैठे जो लोग हैं इस्लाम के लोग, वो इनको धमकी देते हैं। क्या धमकी देते हैं? जान से मारने के लिए तरह तरह का गाली, कहते हैं कि छोड़ दो तुम। हाँ, बोलते हैं छोड़ दो, नहीं तो उसको जान से मार दो। हमको बोलते हैं उसको जान से मार दो, उसको जान से मार दो। हाँ, नहीं तो हम तुम दोनों को मार देंगे जान से, और तुम्हारे फैमिली को भी मार देंगे। देख लीजिए, इतनी कट्टरपंथी, प्यार का दुश्मन। अब इसी पे एक छोटा सा हम ये कह लें कि मोहब्बत की कोई मंजिल नहीं है, मोहब्बत मौज है, साहिल नहीं है। ए असगरू पे हंसने वाले, ए असगरू पे हंसने वाले, तेरे पहलू में शायद दिल नहीं है। क्या जी, सही बात है, बहुत अच्छा शायरी आपने कहा, शायरी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पत्रकार है भाई साहब, कभी कभी शेर निकल जाता है। लेकिन बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। चलिए, ये दोनों की कहानी हम आपको बता रहे थे कि गुलाब शाह खातून कैसे बनी आदिति शर्मा, ये हम आपको बता रहे थे। और ये क्या अब देखना दिलचस्प ये होगा कि प्यार अंधा होता है, या प्यार को ये किस मोड़ पे लेके जाते हैं, क्या 7 जन्म या 700 जन्म ये निभा पाते हैं कि नहीं निभा पाते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। क्या जी, देख लीजिएगा आप। पक्का निभाएंगे? दिखा देंगे, निभाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम छोड़ देंगे, ठीक है, तो हमारा एक यूट्यूब चैनल है और इंस्टा चैनल भी है, आदित्य गुलाब शाह आदि नाम से, ठीक है। गुलाब शाह आदि जी, फिर दोनों को जोड़ दिए हैं जी जी। उस पर आकर आप डेली का ब्लॉग देख सकते हैं और ऐसे जिंदगी भर आप देख सकते हैं साथ हम लोग को, साथ में जी। तो अब गुलाब शाह खातून जो है वो आदित्य
शादी भी कर लिए, अब आप ईद मनाएंगे या ये दीपावली मनाएंगे? दिवाली मनाएंगे, ईद नहीं मनाएंगे? नहीं, दोनों में देख लीजिए, प्यार में ये दोनों जो है वो आज फिर से हम कह लें कि आज ये स्थिति बन गई है कि ये दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। और इनका जो चैनल है वो चैनल क्या नाम बताएं एक बार फिर से? गुलाब सा आदि। गुलाब सा आदि के नाम से ये चैनल बना है। ये अपने प्यार की खबर जो है उस पर आपको रोज़ाना जो है वो अपडेट करते रहेंगे। आप लोग भी देखते रहिएगा कि क्या ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। अगर गलत लगेगा तो कॉमेंट जरूर कीजिएगा कि फिर से हम दोबारा आ जाएंगे। जी बिल्कुल आ सकते हैं, कुछ आपको गलत लगे कि आप छोड़िएगा, अभी तो हम लोग छोड़ने नहीं देंगे। छोड़ेंगे ही नहीं, आप देख लीजिए, आप डेली ब्लॉग आता है, हम लोग डेली वीडियो आते रहते हैं। डेली वीडियो आते जी, इंस्टाग्राम पे रील्स आता है डेली जी, आप देख सकते हैं। देख लीजिए, इंस्टाग्राम पे रील्स भी आता है और वीडियोज भी आते हैं। वैसे आपका क्या कहना है, आपको कैसे पसंद पड़ गए? देखिए इनको, एक ही नजर में प्यार हो गया। आप गोरी हैं, ये सांवले हैं। गोरा सांवला से क्या मतलब है? नहीं, ये तो बता रहे थे कि हाँ हम गोरी से कर लेंगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। नहीं मतलब इनके सामने पे भी ये हो गए। अरे आपको ही कैसे पसंद आ गए? देखिए इनको बस पसंद आ गया, मतलब देखते ही पसंद कर लिए। ये तो बोल रहे हैं कि हमको 6 महीना टपला खिलाई है। हम नहीं बताए थे ना इनको? नहीं बताए थे। नहीं बताए थे? नहीं, मतलब 6 महीना के बाद ही जैसे ही बताया आपको, आप एक्सेप्ट कर लिए? हाँ। आपको डर नहीं लगा? नहीं। आपके मजहब में जितने लोग कट्टर लोग होते हैं, आपको उनसे डर नहीं लगा? उनसे लगा डर। डर लगा? डर उसके बावजूद भी डर को हटा दी? डर को साइड में कर दी। क्योंकि डर के आगे जीत है। देख लीजिए, डर के आगे जीत है। ये लोग खूबसूरत जोड़ा है, हम लोग भी आशीर्वाद देंगे कि ये लोग ऐसे ही आगे बढ़े और तरक्की करें। यही हमारी शुभकामना भी होगी, क्योंकि अभी कब शादी किए थे? 2 मार्च को। 2 मार्च को, होली से पहले? जी होली से पहले। होली मनाई? हाँ मनाए हुए थे। कौन कौन सा पर्व आप मनाई अभी शादी करके? शादी करके गया तो होली किए थे, उसके बाद जन्माष्टमी, फिर नवरात्रि। अभी तो नवरात्रि जो किए, किस भगवान की पूजा होती है नवरात्रि में? नवरात्रि में माँ दुर्गा की, माँ दुर्गा की पूजा होती है। और जन्माष्टमी में? श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण की। हाँ। देख लीजिए, नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा होती है और जन्माष्टमी में जो है वो श्री कृष्ण की पूजा होती है। श्री कृष्ण पता है कि वो प्रेम के पुजारी थे? हाँ। वो भी प्रेम करते थे और प्रेम में ही लीन थे? पता है। पता है? हाँ। तो कृष्ण मानती हैं इनको? कृष्ण मानती हैं जी। आप राधा मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। बिल्कुल मानते हैं। मानते हैं जी। देख लीजिए, ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube को सब्सक्राइब कर लीजिए। Facebook पे अगर आप देख रहे हैं तो लाइक कीजिएगा। Instagram और Twitter पे आपकी और हमारी मुलाकात जो है वो तो हो ही जाती है, लेकिन उससे पहले कुछ भी कहें, इनके चैनल को एक बार फिर से हम दोहराएंगे कि इनके चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जो है वो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब और आपके एक फॉलो से इन लोगों की किस्मत जो है वो आपके हाथ में है। क्या एक बार फिर से दर्शकों को बता दीजिए? प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोग के हाथ में ही हम लोग का लाइव, क्योंकि हम लोग का वही रोजी रोटी है, वही है जो कि अभी कुछ नहीं कर पा। नहीं अभी कुछ नहीं कर रहे, अभी पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, तो उससे थोड़ा बहुत हो पाता है। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।